सतगुरु के चरणों में सारे तीरथ और स्नान, सतगुरु के चरणों में सारे तीरथ और स्नान, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण, किस्मत रेखा बदले खुशियाँ सारी मिल जाए, किस्मत रेखा बदले खुशियाँ सारी मिल जाए, दुखी रहे ना वो नर जग में जिसको तेरा ध्यान, दुखी रहे ना वो नर जग में जिसको तेरा रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण, गुरु का प्यार निराला, गुरु का द्वार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का द्वार निराला। चाहे तो पंगु भी पर्वत चढ़ जाए, गुरु चाहे तो पंगु भी पर्वत चढ़ जाए, सूर दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए, सूर दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए, को पर्वत कर डाले रंग बने धनवान, राई को पर्वत कर डाले रंग बने धनवान, हो लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण, हो लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए सतगुरु का आशीष मिल जाए, ऐसे श्री सतगुरु का आशीष मिल जाए, पाप ताप सब कट जाए भाग्य जाग जाए, पाप ताप सब कट जाए और भाग्य जाग जाए,
राजी हो भगवान। गुरु चरणों की सेवा करे राजी हो भगवान। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु चरणों की सेवा करिए, गुरु के द्वार की सेवा वो प्रभु के द्वार की ही सेवा है। यही रामचंद्र जी ने त्रेता युग में आके सिखाया, यही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सिखाया है। और इस धरती पर जो भी महापुरुष हुए, नानक, बुद्ध, कबीर, महावीर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर महाराज, सहजोबाई, मीराबाई, सभी ने गुरु चरणों में आके शीस झुकाया, सेवा की। गुरु के द्वार की सेवा जिसको मिल जाए, सोई धन्य है जगमन्य है। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। कहते हैं कामी क्रोधी लोभी इनसे सेवा ना होए, इनसे भक्ति ना होए। सेवा करे कोई सूरमा, भक्ति करे इस कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, अपनी मैं अपनी ईगो को बुलाकर गुरु के चरणों में। नहीं तो रामचंद्र जी तो राजकुमार थे, कृष्णचंद्र जी तो राजकुमार थे, फिर भी बन की लकड़ियों को लेकर के आते थे, बन से सूखी लकड़ियां। और हम सबको गुरुद्वार में तो इतनी कठिनाई इतना परिश्रम तो नहीं मिल पा रहा, सब कुछ सहज में ही गुरु का ज्ञान उपलब्ध हो पा रहा। जीवन में अगर कुछ चाहिए, जिस प्रकार मीरा ने, जिस प्रकार शबरी ने गुरु के द्वार की सेवा करके अपने भाग्य को सवारा, अपने जीवन को धन्य किया और भगवान को प्रसन्न कर लिया। गुरु की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं। भागवत में कहते हैं उदो संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे चरणन रज निज अंग लगाऊं। ऐसे भगवान भी गुरु के चरणों की रज लगाते हैं तो हम क्या राम से बड़े हैं, कृष्ण से बड़े हैं, बुद्ध और महावीर से बड़े हैं, मीरा से बड़े हैं क्या? ज्यो ज्यो गुरु के चरणों में हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, हमारी प्रीति बढ़ती जाएगी, हमारी लौ हमारी लगन लगती जाएगी। ज्यों ज्यों झुकते जाएंगे, ज्यों ज्यों झुकते जाएंगे, त्यों त्यों गुरु की करुणा से कृपा से हम भरते जाएंगे। जो झुक गया, जो पूरा झुक गया, पूरा मिट गया, पूरा प्रभु बना दिया, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु है,
ब्रह्मा को नहीं देखा, गुरु को तो देखा है। तो ऐसे गुरु के चरणों में झुकना, वो ब्रह्मा जी के चरणों में झुकना। ऐसे गुरु के चरणों में झुकना, वो विष्णु के चरणों में झुकना। ऐसे गुरु के चरणों में झुकना, वो शिव के चरणों में झुकना है। और इसलिए कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव कहाए। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव कहावे। ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम सब शीश नवाए। हम सब शीश नवाए, ना भूले हम ना छोड़े हम सदगुरु देव का द्वार। ना भूले हम ना छोड़े हम सदगुरु देव का द्वार। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए को। गुरु बिन होत नाही, संसार का ज्ञान चाहिए तो भी संसारिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पारलौकिक ज्ञान, उस परब्रह्म का ज्ञान चाहिए तो कहते गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद। जो भेद है जीव और ब्रह्म का, जो भेद है आत्मा और परमात्मा का, जो भेद है मेरे और तेरे का, वो सतगुरु के ज्ञान से ही मिटता है। संशय की निवृत्ति होती है, अपने शुद्ध मैं का पता गुरुद्वार से ही चलता है। और जब सहजो कारज संसार को गुरु बिन होत नाही, तो हरि तो गुरु बिन क्या मिले। जिसको भी मिले हैं आज तक, देखो भागवत रामायण उपनिषद वेदों ने भी गुरु की महिमा गाई। ऐसे गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की यात्रा कराते हैं, ऐसे गुरु जो हमें अज्ञान से ज्ञान की यात्रा कराते हैं, ऐसे सदगुरु जो मृत्यु से अमरता की ओर ले जाते हैं। इसलिए संत जरनी जो जनु परे, जो संतों की चरणों में जो आए हैं, नानक जी कहते हैं कि संत की सरणी जो जन परे, सो जन उदरन हार, उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। देखो मीरा का हुआ कि नहीं, बोलो हुआ कि नहीं, सबरी का हुआ कि नहीं, प्रहलाद का हुआ कि नहीं। जो भी आया गुरु की शरण, यह लोक सुखी नानक परलोक सुखी। इसलिए कहा जो संतों की शरण में आते हैं उनका उद्धार होता है।
संत की सरणी जो जन परे सो जन उधरनहार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार, पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है जो भगवान और संत की निंदा करते हैं। निंदक बेचारे जानते नहीं गुरु की महिमा को, गुरु की करुणा को, गुरु की कृपा को। और इस कलयुग का व्यक्ति तो इतना, मीडिया के युग में जो टीवी ने दिखा दिया, जो मीडिया ने दिखा दिया उसी को सच्चा मानकर के ऐसी धारणा बना लेते हैं, ऐसा ही सोच बना लेते हैं। लेकिन किसी ने कहा कि तुम्हारे भीतर ही दोष है तभी तुमको सामने वाले में दोष नजर आता है। कहते एक व्यक्ति शीशे की दुकान पे गया और जो भी शीशा देखे वो शीशा तोड़ दे, कहा ये बहुत बेकार शीशा है। एक शीशा तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा। आखिर दुकानदार ने कहा कि भाई तुम क्यों तोड़ रहे हो शीशे? अरे बोले कोई ढंग का शीशा दिखाओ, हर शीशे में मेरा कुरूप दिख रहा है, चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। उस सज्जन ने कहा कि भाई नाहक शीशे पे इल्जाम लगाना फिजूल है, शीशे पे इल्जाम लगा रहे हो, शीशे तोड़ रहे हो, शीशे पे इल्जाम लगाना फिजूल है साहब, गौर से देखो आपके चेहरे पे धूल है, अपना चेहरा साफ करके आओ, जरा चेहरा धो के आओ, जैसा तुम्हारा चेहरा है वैसे ही नजर आता है। क्यों शीशे पे इल्जाम लगाता है, जैसा तेरा चेहरा है वैसा ही नजर आता है? ऐसे निंदक लोग शिशुपाल भगवान कृष्ण पर इल्जाम लगाता है दुर्योधन, लेकिन संत पर इल्जाम लगाने वाले निंदक कभी गुरुद्वार पे आए नहीं। श्री नानक जी सावधान करते हैं, बहुरी बहुरी अवतार, अनेक योनियों में जाना है, कीड़े बनना, मकोड़े बनना है, बिच्छू बनना है, सांप बनना है, तो करो निंदा। और अगर मुक्त होना है जन्म जन्मांतरों के बंधनों से तो संत की शरण में आ जाए, गुरु की शरण में आ जाए। हरि ओम, हरि ओम, साईं।